मार्केटिंग करनी पड़ती है। हर बिजनेस का जो मेन प्लेटफॉर्म है, बैकबोन है, वो क्या है? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग आपकी मेरी पॉसिबल वीक हो गई हो या मार्केटिंग आप तक पहुंची नहीं हो, सिर्फ फेसबुक की एक जो वीडियो है, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी एक डेली की रील आ रही है, उस रील को आप बनाओ, डेली की एक रील बनाओ नेक्स्ट 7 डेज पर सीरीज में, और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करो, चाहे तो वो फेस वीडियो हो या नॉन फेस वीडियो हो, लाइक इसमें आप वैल्यू ऐड करोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग आपके बिजनेस को किस तरह इम्पैक्ट कर सकता है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिच नहीं करना है, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप बताओगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या क्या चीजें हैं, जो आपका काम है उसी को वीडियो की फॉर्म में, रील्स की फॉर्म में डाल दो, और वो वीडियोज हर प्लेटफॉर्म पे डालो वीडियोज। ठीक है, कंजम्पशन किसकी होगी फिर आपकी वीडियोज की होगी, पोस्टर्स की कंजम्पशन तो आपके पास मेरे पास आपका एक पोस्टर आपने शेयर कर दिया, 5-10 ग्रुप में शेयर कर दिया, तो उसकी रीच प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे पहुंच गए जाएगी, फिर 1000 लोगों तक पहुंचता है 9 बजे एक पोस्टर आपका, लेकिन अगेन अगेन मल्टीप्लाई बाय 7, आप 7 दिन अगर 1000 लोगों आपका 1000 के लोगों तक पहुंचते पहुंचते कन्वर्जन कितना होगा आपका, 100 लोग आपके पास आएंगे मैसेज करते होंगे, अगर नहीं करते स्टिल तो कुछ ना कुछ आपको ऐड में चेंजेस करना होगा, आपके कंटेंट में ऐड बनवा लो, उससे बनवा लो आपके एडिट्स वगैरह, या फिर जो चीजें हैं प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से इसको वापस रीटारगेट करना करना पड़ेगा मार्केट में, जिन लोगों ने ऐड नहीं देखा आपका, देख चुके हैं, इंप्रेशन आया, लाइक आया, उनको कहीं ना कहीं हेलो हाय करके पूछ लो क्या चीजें हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं, ठीक है, ओल्ड आपके जो क्लाइंट हैं उनसे हेलो हाय कर लो वापस, उनको एक आध पोस्टर बताओ पूछो, और कहीं ना कहीं आपके पास यही सारी चीजें प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आपका जो फाइबर का जो प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है, 7 दिन जहाँ बन गई है उसको, अगेन उसको फ्लो में लाओ, ऑनलाइन आप लोग कितना रहोगे, क्योंकि एवरी डे आपके पास फाइबर में ऑनलाइन रहने से क्लिक्स इंप्रेशन तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर ड्राइव नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली लाने पड़ेंगे आपके क्लाइंट्स के पास है, तो कुछ ऑर्डर्स जिसकी ज्यादा डिमांड है तो वो लो कॉम्पिटिशन सर्च करो, लाइक इन्फोग्राफिक्स है, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स के डिजाइनिंग बहुत एवरीडे पैटर्न वाइज देख रहे होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग इस तरह 2014 से बेच रहे हैं इन्फोग्राफिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट इन्फोग्राफिक बेच रहे होते हैं, डायरेक्टली ऐसी मार्केट प्लेस में आप बेच पाओगे, तो ESC की मार्केट भी हम आज एक्सप्लोर करेंगे, तो ओवेश भाई आएंगे ऑनवर्ड्स 12 बजे, तो वो आपको ESC की मार्केट में भी बताएंगे, अब नई नई मार्केट प्लेस में आप ज्यादा के टेस्टिंग करोगे, मार्केट में काम नहीं हुआ, फेसबुक की मार्केट में ऑर्डर नहीं आया, एक भी नहीं आया, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं होगा, फेसबुक पे तो आ रहा है, तो जो जहां पर लोग हैं, ट्रैफिक है, वहीं जाकर आप अपनी चीजों को बताओ, पिच करो, अपना इंट्रोडक्शन कराओ, उनको इंस्पायर करो, कहीं ना कहीं फेसबुक पे तो हम वैसे भी बहुत एक्टिव हैं, पोस्टर्स वगैरह अपने करते हैं, सारी चीजें तो उसकी वजह से ही आ रहे हैं, लेकिन फाइबर पे हम उतने एक्टिव नहीं है जितना हम फेसबुक पे, तो जिस प्लेटफॉर्म में ट्रैफिक है, ट्रैफिक के फ्लो में आप जाओगे और फिर वहाँ आपके एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, आपका जो पोस्टर होगा, इमेज उसका बेहतरीन होगा, ठीक है, अगर इमेज बेहतरीन नहीं है तो ये पॉसिबल पोस्टर बेहतरीन नहीं है, उस पर डिटेलिंग वगैरह तो मिस्टेक्स विजिबल नहीं है, या आपने मजीद ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैग नहीं किया, फेसबुक अलाउ करता है आपको 100 लोगों को टैग करने के लिए एक पोस्ट पर एक वीडियो पर, एवरीडे पोस्ट कर, तो आप लोग कितने लोग जो है पोस्ट कर रहे हो, 100 लोगों को, यस 100 लोगों को कितने लोग पोस्ट करते हैं, आपका एक पोस्टर 100 लोगों को टैग नहीं करता, 100 लोगों तो नहीं हो, हमारे पब्लिक पे करने के बाद ही आप 100 लोगों को एट द रेट टैग कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है, ये सब बताइए हमें, आप ये तो सिर्फ 5-6 लोगों को ही करते हैं, नहीं देखो ऑडियंस बिल्डिंग आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, आपका जो ऑडियंस एक टूल भी है ना एवरीवन, वो तो एवरीवन है, एजेंट एवरीवन करोगे तो सब जाएगा जाएगा, लेकिन एवरीवन भी बहुत डील हो गया आजकल, थोड़े कम से कम हो जाते हैं, अच्छा हां, वो नोटिफिकेशन थोड़ी चेक करेगा आजकल, एजेंट एवरीवन लगा दोगे वो तो ग्रुप के लिए और के लिए है, ठीक
ठीक है। इसके अलावा टैग करना शुरू कर दो, ऐसे 10 से 100 लोगों को मल्टीप्लाई करो अपनी जर्नी के अंदर, कि आप सबको जर्नी का पार्ट बनना चाहिए। तो सर ये कैसे होगा बता रहा हूँ, आपने ये पोस्ट किया पोस्ट से सॉन्ग, ठीक है, लेट्स सपोज आपने ये पोस्ट कर दिया, आगे कर देना चालू किया था सबको, इतना उसको मिला है रात को 2 बजे तक के साथ बैठा रहूँ, मैं कुछ करूँ काम करूँ काम मिला है जो है मैं कॉपी कर लेते हैं जब होगा, मैं मैसेज दिखा दूँ कि प्लान किया है ठीक है। आपने कंटेंट पोस्ट कर लिया है, इसमें रेलेवेंट आपको चीजें लगानी है, और इसके अलावा आपको जो नंबर वगैरह है ठीक है, आपका जो ऑर्डर होता है ठीक है, जो सर 999 लोगों को ठीक है, WhatsApp को हमेशा इस तरह हाईलाइट करोगे, मेल करोगे, इस तरह आपका जो भी आपका नंबर है ठीक है, 999 जो भी आपका नंबर है, 999 करके और जो भी आपका नंबर है तो ऑटोमेटिकली वो उस नंबर पे WhatsApp पे चला जाएगा क्लिक करने से, और यहाँ से जो बटन है टैग करने के लिए, यहाँ से लोगों को सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, इस तरह जितने लोगों को टैग करना है रेलेवेंट लोग हैं और आपके नेटवर्क में आपके सारे रेलेवेंट लोग आ जाएंगे, ठीक है, आपने वंस टैग कर लिया सारे 13 को बोल देगा आपको तो 99 हो गए, जो मोस्ट रिसेंट में आएगा यहाँ पर आ जाएंगे, फिर बाकी आप नाम चुन चुन के ए एक हो गए बी एक हो गए सी एक हो गए, इस तरह वो और लोग आते जाएंगे, ठीक है, यहाँ से और सर्च करते जाओगे एफ डी जो रेलेवेंट आपके पास आ जाएंगे, 29 लोगों को आपने टैग कर दिया और लोकेशन जहाँ लिखनी है कहाँ के लोकेशन के लिए आपको जो पोस्ट करना है पब्लिक की, ठीक है, आप उसको पोस्ट कर देना है सर। मार्केटप्लेस में अगर आप फ्रीलांसर कौन है चीजें बेच रहा है वो भी सर्विसेज दे रहा है तो वहां पर आप अपने एचसी के अंदर भी आप डायरेक्ट एचसी के जो प्लेटफॉर्म है आपके पास एक शॉपिंग के लिए होम मेड चीजें गिफ्ट वगैरह आइटम्स वगैरह बनाते हो ठीक है, इसमें आपके कैटलॉग के टेम्पलेट भी देते हैं, मेरे कैटलॉग है आपको भी मार्केट है $20 से लेकर $50 तक आपकी मार्केट प्राइस होती है, ठीक है, $2 में भी कैनवा का टेम्पलेट दिख रहा है इसमें। सर ये भी क्या ऐप है यानी मार्केट प्लेस है, आप उसकी सर्विस में लगा सकते हैं आप, तो ये मार्केट प्लेस है आपका ऐसे भी ठीक है, इसको मजीद हो गया है इंडिया का उसको और उसका पैरेंट पैरेंट का बॉक्स बनने वाला है, तो अभी जो ऑर्डर्स का जो है आपके पास ऑर्डर आपको एक्चुअली क्या करना है लेने के लिए वेट नहीं करना है आपको, कि आपको कोई आएगा ऑर्डर देगा, आपको अपने ऑर्डर को ड्राइव करवाना है, ड्राइव टू एनर्जी ट्रेडिंग, आपको अपने खुली डाइट लेना है कि कहाँ आपको अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका जो डाइट का लेवल है वो बहुत कम जा रहा है, एक्टिविटीज नहीं कर रहे तो आपको अपने टाइम को बचाना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा लोग
जमीन की तरह परेशान हो गए या कई तरह लोग जो है एक्स्ट्रा जो है सिर्फ बात ही कर रहे हैं एक्शन हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं आपका एक्शन प्लान क्या है कि हर चीज को कुछ भी करो तीन बार करो हफ्ते में तीन बार है और उसको आप प्रोसेस में डालो तीन रील डालो सीधी में डालो किसी को अगर मल्टीपल में 7x7 करते हो तो बहुत एग्रेसिवली अच्छा है 4x4 भी कर सकते हो रिकॉर्ड या 5 दिन में तो आप उसको एक सीरीज में बनाओ सीरीज में आप एक चीज पे प्रोड्यूस करेंगे फिर रिजल्ट तो वो बाकायदा कॉन्सेप्ट कॉस्ट पाएगा लेकिन हम एक्सरसाइज कर लेना कितनी बार करते हैं सेट में करते हैं क्यों इंपैक्ट क्रिएट कर अगर आप एक ही सेट लगा लें और उसके तीन के तीन या पांच सेट ना लगाएं एक्सरसाइज करके फायदा भी नहीं होगा मतलब बैठे अल्लाह हम पोस्ट बनाते हैं उसको रील में उसको ही रील में डालो रील्स वीडियो प्रोड्यूस ज्यादा करो पोस्टर भी प्रोड्यूस करो और वीडियो भी करो कहीं ना कहीं कंटेंट डालो फेसबुक पे रील्स भी करो ठीक है टाइम को जहां आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो अपने मंडे से लेकर ट्यूसडे का आपका खुद का बैठना है ठीक है मंडे ट्यूसडे आपका जो है वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे इसका कंटेंट क्या होगा आपका वैल्यू पता है कि क्या वैल्यू दे रहे हैं आपसे क्या हासिल कर पाएंगे ऑडियंस लाइक मंडे को आपने मॉर्निंग में मोटिवेशन पोस्ट डाल दिए यहाँ भी डाल दो यहाँ भी डाल दो सारे दिन आपसे आ रहे हैं वो आपको पोस्ट हो गया उसके पास सही नहीं इंफॉर्मेशन पोस्ट डालो मैंने वीडियो बनाया वीडियो में डालो ऐड करो मेरे पास भी सारे टेडेक्स वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो भी सबको ही टेडेक्स वीडियोस आप कहीं ना कहीं ऑफर ब्रश बेसिस पे कनेक्शन हो बिल्ड हो आपका सारे वीडियो अपने चैनल पे सर मेरे पास भी सारे टेडेक्स वीडियोस हैं आप कहीं ना कहीं ऑफर ब्रश बेसिस पे कनेक्शन हो बिल्ड हो आपका सारे वीडियो अपने चैनल सर वीडियो बता रहे हैं कि हम फेसबुक पे डालना फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे सब पे हर चैनल पे अच्छा और वीडियो का वो क्या होगा टेडेक्स वीडियो में इंफॉर्मेशन है इसी तरह ग्राफिक्स की वीडियोस और बिजनेस की वीडियो यानी कि हम जो है ऐसा जो हमारे पास है जैसे सर आप डालते हैं सर आपको भेजना नहीं आपको बताने ऑडियंस से कनेक्ट करना जो नॉलेज है आप जैसे हमारे पास जो नॉलेज है कैनवा से या फाइवर से रिलेटेड तो हम 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं 5 मिनट की 1 मिनट की क्योंकि अगर रील्स बनाते हो तो 80 मिनट की कि आपने बताना है भाई ब्लू के साथ ब्लैक कलर कैसा लगेगा ठीक है इस बहाने आप लोग 50 अनएडिटेड वीडियो डाल दो सबको हो जाएगा भाई अब मैं पूरी एडिटेड वीडियो भी डाल रहा हूं आप लोगों को खुद ख्वाहिश जागेगी तो आप लोग खुद लोगों उस स्पेस में जाओगे कि भाई एडिट वीडियो कैसे तो इन शॉर्ट है वीडियो एडिटिंग है या चीजें हैं जब तो फोकस नहीं है स्किल्स पे फोकस होने करो या मल्टीपल स्किल्स पे साथ साथ स्किल्स क्योंकि हर चीज को आप काफी बार लर्न नहीं कर पाओगे तो आपको काफी बार उस प्रोसेस में करना पड़ेगा लेकिन हालांकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जनरली सारे काम कर रहे हैं हम अपना खाना भी खुद पका सकते हैं चीजें भी कर सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं शॉपिंग भी कर सकते हैं चीजें हर चीज हम कर सकते हैं लेकिन अंटिल अनलेस हमारे पास स्पेशलिटी ऑफ मीडिया नहीं कि भाई घर को संभालने के लिए अम्मी हमारी बीवी जो है वो और नहीं करती लेकिन ऐसा नहीं बहुत सारे जो मॉडल है घर है वो आदमी भी होटल में बहुत सारे शेफ आदमी भी होते हैं वही पूरे पूरे खाना पका सकते हैं तो किसी के लेबल नहीं लगा हुआ कि स्पेशलाइज एरिया में जाओ और आप स्पेशलाइज नहीं करो लेकिन एज अ जर्नलिस्ट भी आप उस काम को कर रहे हो बहुत सारे लोग शोज के होस्ट होते हैं एंकर होते हैं चीजें होते हैं तो वो एक लेवल पे एंकर भी होते हैं लेकिन घर में तो वो सब कुछ ही कर रहे होते हैं कोई शो का होस्ट है या शो के एंकर या ग्राफिक डिजाइनर है तो वो काफी एडिटिंग भी कर रहा होता है नवान भाई भी आए थे तो वो सोशल मीडिया मैनेज कर रहे होते हैं मार्केटिंग भी कर रहे होते हैं तो उनको मार्केटिंग का कुछ पता है तो मार्केटिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो साइकोलॉजी है कलर है कस्टमर्स के बिहेवियर उसके मूड स्विंग्स कब होगी आप अचानक से प्राइस की बात कर लो वो बुरा मन जाता है काफी बार ऐसा होता है हालांकि प्राइस में उसको देना तो देना है वो बाद में दे अभी दे और पैसे निकाल के उसकी डील नहीं करते उसको वैल्यू मिलेगी तो होगा और वो आपको एक्स्ट्रा कब दे सकता है या सेकेंड काम आपको कैसे ला के दे सकता है जब उसकी पहली काम से उसका फायदा हो रहा हो आप उसके काम में ही फायदा नहीं हो रहा अगर क्लाइंट भी आ गए थे पहला क्लाइंट भी
लाना भी मुश्किल हो रहा है, इसका एक भी क्लाइंट नहीं आया सर लोकल ना, हसन का नहीं आया, उसका नहीं आया, मेरा भी नहीं। ठीक है, तो चैलेंज क्या हो रहा है, कंटेंट को अलग नजरिए से, क्लाइंट की नजर से देखो, आप वो चीज क्यों बाय करोगे जो चीज आप बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो। ठीक है, आपने अपने पोस्ट जो बनाया है उससे रिएक्शन क्या करोगे, उसमें अगर रिएक्शन करते हो क्या रिएक्शन करोगे, आपने स्पेसिफिकली अब कस्टमाइज टारगेट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कस्टम, ठीक है, इसमें आप कस्टमाइज टारगेट करोगे, जिस तरह अभी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं कैलेंडर, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स कैलेंडर में से बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस को अलग टारगेट करोगे, फूड के बिजनेस को अलग टारगेट करोगे फूड वालों के लिए, या बिजनेस कार्ड को टारगेट करोगे, आपका बिजनेस कार्ड बना के दे दूंगा, तो जो हम फाइबर में गेट बनाते हैं वो एरिया के लिहाज से बनाते हैं, क्यों, ताकि एक रेट में एक मिले, ये तो हम हालांकि होटल खुला हुआ है तो खाना भी नहीं आ रही है, लेकिन आपका जो होटल है या फिर एक रेस्टोरेंट है या ढाबा है और वो एक छोटी सर्विस दे रहा है या फिर बड़ी सर्विस कोई दे रहा है बल्क ऑर्डर के लिए, तो वो किसी एक स्पेशलाइज एरिया में दे रहा है। ठीक है, तो आपने बताया कि बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड की ये बिजनेस कार्ड और पोस्टर, उसी को वीडियो में रोल कर दो आप, ये भी बिजनेस कार्ड है, ये बिजनेस कार्ड है, अस्ट्रा के भी है, ब्लू ब्लैक हर कलर में मॉडर्न है, फिर आप उस पर आपसे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड बना सकते कार्ड के लिए थोड़ा एफर्ट समय तो उससे ज्यादा होगी, तो आपने कब से
नेटवर्क है आपका अलर्ट हो जाएगा, और तो जब टैग का नोटिफिकेशन मिल रहा होता है तो वो नोटिफिकेशन खोल खोल के चेक कर रहा होगा बार बार कि किसने टैग किया, किसने क्या चीज किया। तो यहाँ पे जो टैग होता है वो बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, क्या बोले कि किसने टैग किया, किसने क्या चीज, तो ये डिपेंड करता है हम अपनी लाइफ को किस तरह, तो आपका जो लाइफ नोटिफिकेशन विदाउट टैग या विदाउट अनटैग जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलने में चेक कर रहे हो ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर बहुत इजी है, वो बार बार क्या कर रहे हो चेक कर रहे होते हैं। इस तरह अगर आपका फोन आपके पास जेब में है तो आप उसको फोन को चेक कर रहे हो, फोन का आप देखते हो ना कि डेड तो नहीं हो गया फोन का, है ना, तो सेम एज इट इज आपके पास अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है चीजों को अगेन अगेन हिलाओ, शेक करो उसको, अगेन अगेन शेक करना पड़ेगा आपको कि आपके पोस्टर्स में, वीडियोस में, कंटेंट में कहां नहीं आ रहा है पावर, तो ऑडियंस तक पहुंचना इज मेन कंसर्न। जो आपका जो क्लाइंट है वो ऑडियंस है, वो आपका इंटरनेट पे ऑनलाइन है या आपके पड़ोस में है, अभी वो कौन था और ये वाला शिदात है उसके बराबर में लड़का बैठा है उसके घर में कोई बिल्डिंग बिल्डिंग और टाउन में एड रन किया उसने फेसबुक पर, एड रन करके पहुंचाया कंटेंट के बराबर से भी कोई जो है कैनवा वाला सीखने वाला आ गया 200 रुपए में कि भाई कैनवा पावर का वर्कशॉप और मजीद फिर क्लासेस लेने के लिए एग्री हो, हालांकि क्या किया एड रन किया उस एड को पहुंचाया। अगर एड रन ही नहीं होती तो ऑडियंस आपको कहां से मिलती, तो आपका जो ऑडियंस है उसको कंटेंट चाहिए कंज्यूम करने के लिए एवरी डे। फिलॉसफी यही है मार्केटिंग का जो फंडामेंटल है, ऑडियंस को कंटेंट मिलेगा उसको होगी अवेयरनेस, उसको मिलेगी आगाही कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, मेरा नाम अली है, मैं कैनवा फाइबर का टीचर हूँ, तो जो मैं ये एंटरप्रेन्योर पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ें, अब मैं जैसा भी बोलूँ अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम रुमानी है और मैं सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर हूँ, अब ठीक है यही काम अनम मुनीर करेगा अपने टेस्टिमोनियल देंगे, अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अनम मुनीर है, हम मेरी वाली अब मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा, यही काम दूसरे सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मेन एलिमेंट क्या है, मार्केटिंग करना है, तो मार्केट में हम जा रहे बार बार ऑडियंस को खिला रहे हैं, हम कुछ हैं हमारे पास विजिट करने आओ, फुटफॉल हमारा बढ़े तो हमने एड रन किया, ठीक है, तो वही फुटफॉल में हमारे पास ऑर्गेनिकली वो चीज़ें सोशल मीडिया में बढ़ रहा है। अब वो कंसीडर क्यों करेगा आपको, जब अवेयरनेस हो जाएगी तो कंसीडर का लेवल आता है आपका, कि वो आपको देखेगा हाँ भाई कुछ चीज़ है या कोई शख्स है, वो चीज़ें अथॉरिटी रहता है उस चीज़ के लिहाज से करना क्या है, लेकिन मोस्ट पोस्टर में ना इम्पैक्ट आ रहा है ना चीज़ें आ रहा है, तो 100 टैग करने की वजह से आपके फ्रेंड्स नेटवर्क है वही चीज़ें लिंक्डइन ट्विटर इंस्टाग्राम वो टैग की वजह से कि आप डेली डेली टैग कर रहे हो तो मैसेज भी मिलेगा, तुम मुझे क्यों टैग कर रही हो बार बार सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह 10 बजे भी 9 बजे भी थी, तो आप उससे पार्टनरशिप कर लो, अलाइंसेस कर लो, वो डायरेक्टली काफ़ी बार यूज कर रहे हैं हमारे मार्केट में कि हम काफ़ी बार हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि पोस्ट कर दो ना पोस्ट कर दो ना, तो आपको पोस्ट नहीं करना है उसको अच्छा लगेगा वो एक बार तो आपके पोस्ट पे वॉल पे उसको रिव्यू करके बटन को दबा देगा और रिव्यू होकर उसकी वॉल पे शो हो जाएगा। रेहान भाई दुनिया भर में जहाँ के सबके कंटेंट को शेयर कर सकते, हम ऐसा कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमने जो रूल सीखा 80/20 का रूल, उससे उसका मतलब क्या है, हम अपने ब्रांड को लेके चलेंगे। अब रेहान का ब्रांड क्या है, पाकिस्तान, जो भी आए गर्म शर्म सब कुछ डाल दो सबको शेयर कर दो, ठीक है, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को भी है, तो आप अपने ब्रांड को लेके सीरियस हो तो उस कंसर्न को कंटेंट प्रोड्यूस करो मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, या एग्रेसिवली कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते कंटेंट करवाओ प्रोड्यूस करवाओ एजेंसीज आपको ही बनेंगे, तो एजेंसीज के अंदर बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो एड्स रन करना का जो प्रोसेस है वो अवेयरनेस के प्रोसेस है कि आप कोई सर्विसेज प्रोडक्ट या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप स्ट्रेटेजिकली काम कर सकते हो, वरना आइडियाज का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा है, पैसे कमाने ना है, चाहे कैनवा फाइबर पढ़ाके पढ़ाओ आप, ठीक है, वैल्यू ये भी है, वर्कशॉप आप दो लोगों को अवेयरनेस दो, पूरा गैप है इस मार्केट में। अमीर पॉपकॉर्न वाले आए थे हमारे पास, उनका भी जो गैप सिनेरियो निकला वो 1,00,000 रुपये महीने से पढ़ाके कमा रहे, तो हर महीने ही उनका फ्लो बढ़ते जा रहा है और 4 टीचर 5 टीचर भी हायर हो गए उनके पास और टीम भी बन गई, तो गैप स्टिल गैप है। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनी स्टिल नई नई कंपनी बन रही होती है, YouTube के अंदर 2 बिलियन जो है वीडियोस 2023 के अंदर अपलोड हुई, 2 बिलियन आवर्स का,
तो आप उसमें रेस में थे थोड़ा थोड़ा 23-22 में, अब जो 23 आएगा इट्स मोर अबाउट वीडियोस मैसिवली, एआई वीडियो बना के दे देगा, ग्राफिक्स वीडियोस बना के देगा और एडिटिंग भी करके दे देगा, मजे की बात है, voiceai.com से आपको पूरी पूरी एडिट भी करके दे देगा, कट 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 लगा के दे देगा, उसके बाद प्रोड्यूस करके रेंडर भी कर देगा और उसके साथ रेंडर भी जनरेट कर देगा ऑटोमेटिकली, तो एआई इतना फास्ट हो गया। अब उसमें आप ह्यूमन बिहेवियर कहो भाई तो वो जो ऑर्डर है वो हमें ड्राइव करना है, वो ऑर्डर एक्चुअली क्यों हमें हुकुम दे रहा है, हम इंटेलेक्चुअली हर चीज को कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं, तो जहां जो जो आपके पास सवाल है तो वही सवाल मार्केट में लाओ और उस पर ड्राइव करो, कैसे आएगा, हाउ के फैक्टर में जाओ, एक कोच और एक मेंटर एक ट्रेनर और एक आपका जो है उसमें डिफरेंस क्या होगा, वो अपने एक्सपीरियंस को आपको देकर समझा कर आपको दे देगा, लेकिन एक जो कोच है और फर्दर जो मेंटर है वो आपको केस स्टडीज के साथ काम करेंगे और जो कोच है वो आपसे पूछेगा सवाल, अच्छा आपने क्या किया कैसे किया, फिर आप उसका सोल्यूशन आप खुद ही बता रहे हो, वो आपसे दिखाव करेगा और चीजें करेगा, ठीक है, तो कोच उस लिहाज से आपको मदद हेल्प कर रहा है, जो क्रिकेट के कोच होते हैं बॉलिंग कोच होते हैं वो चीज़ें, हालांकि वो प्रैक्टिस में नहीं होते, हालांकि वो आपको करवा रहे होते हैं, अगर इस बॉल को तुम वापस से इस स्पीड से फेंकोगे तो इस पर ज़्यादा चांसेस है कि वो विकेट के जरिए जाए और उसमें जो बॉलर है जो बैट्समैन है कंफ्यूज हो जाए, बोलता है हाँ है इसमें कुछ बॉल में चेंज है, हालांकि उसने बॉलिंग करके दिखाई नहीं उसको, ठीक है, तो आपका यही है कि ग्राफिक्स के अंदर भी यही सारा है, इमोशनल हमारा कहीं ना कहीं उस डिजाइन के अंदर अपीलिंग कब बनेगा, कुछ वर्ड से कुछ हमारे पास लॉजिकल से और कुछ चीजों से, सो